खबर सीहोर जिले के बुधनी से है, जहां खाद्यान्न माफियाओं पर बुधनी एसडीएम तहसीलदार का सख्त रवैया देखने को मिला है। बता दें, बुधनी में पहली बार की पीडीएस का गेहूं चावल खरीदने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग की टीम ने सरकारी चावल से भरा ऑटो जब्त किया। जानकारी के अनुसार एसडीएम तहसीलदार को सूचना मिली थी कि शासकीय राशन दुकान से गरीबों के लिए बांटा जाने वाला राशन की कालाबाजारी की जा रही है। फिलहाल मौके पर पहुंचे एसडीएम और तहसीलदार ने ऑटो को जब्त कर शासकीय दुकान को राशन वितरण के बाद सील करने की बात कही है। देखिए, प्रथम दृष्टया वो राशन का चावल लग रहा है, मगर इसलिए वाहन को जब्त किया गया है। अब पूरी दुकान को सीज कराया जा रहा है। अभी राशन बट रहा है, वहाँ राशन बटने जीएसओ को यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। जीएसओ राशन बटने के बाद उपभोक्ता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए राशन पूरा बंटवाने के बाद दुकान को सील करेंगे और इसकी गहन जांच होगी, और जो भी इसमें जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।